नमस्कार बच्चों, आज की वर्कशीट में हम रोमन संख्याओं को फिर से पढ़ेंगे। इनकी पुनरावृत्ति करते हैं। रोमन संख्याएं अक्सर घड़ियों में और हमारी कक्षा का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपयोग की जाती हैं। जैसे ये घड़ी आप देख रहे हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये आप घड़ी में ऐसे देखते हो, घड़ी में 12 तक के अंक होते हैं। और आपको अपनी कक्षा दिखानी हो तो आप लिखते हो छठी ए, छठी बी, छठी सी, छठी डी, इस प्रकार से आप अपनी कक्षा का नाम लिखते हो। सो यहाँ पर हम आम जिंदगी में ज़्यादातर रोमन संख्याओं का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए रोमन संख्या, अब आपको कैसे बड़ी संख्या लिखनी है तो आप कैसे लिखोगे? एक तो आप 1 से 10 तक याद कर लो कैसे लिखी जाती है। आपको सबको याद ही होगा, 1, 2 डंडे साथ लगाती है तो 2, 3 ऐसे लगाती है तो 1+1+1, 3। 4 लिखना है तो 5 लिख के उसमें से, ये जैसे ये 5 है उसमें आगे की तरफ 1 लिखोगे तो ये आपका 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 4। 5 में से 1 गया यहाँ पे 4, तो 4 का ऐसे सिंबल होता है। ये 5 का 6 कर रहे हो तो V लिख के आगे एक I लगा दिया, 6। 5+1, 5+2, 7, 5+3, 8, 9, 10। ठीक है, 10 को हम कैसे दिखाते हैं? 10 को हम दिखाते हैं X से। तो अगर हम X के आगे 1 लगाएंगे तो ये 11 बन जाएगा। और अगर हम X के लेफ्ट हैंड साइड में यानी उल्टी तरफ लगाएंगे तो ये 10-1 होके 9 बन जाएगा। ये आप देख रहे हो 9 और ये हो गया 11। ठीक है, इसी तरह 12 लिखना है तो 10 लिखा उसके आगे 2 लिख दिया, 10 लिखा उसके आगे 3 लिख दिया, 10 लिखा उसके आगे 4, 10 लिखा उसके आगे 5, 10, 6, 10, 7, 10, 8, 10, 9, 19 तक, और 20 लिखना है तो डबल एक्स। 50 को हम L से दिखाते हैं, C फॉर सेंचुरी आप क्रिकेट में न्यूज़ में देखते हो, 100 से दिखाते हैं, D 500 के लिए और M 1000 के लिए। गॉट इट? रोमन अंकों के लिए प्रयुक्त प्रतीक है, यदि किसी प्रतीक को हम दोहराते हैं तो ये मान कई बार जोड़ा जाता है। जैसे आपने 2 बार दोहराया तो 1+1 2 बन गया, 2 बार x दोहराया तो 10+10, 10+10 होके 20 हो गया, x+x। ठीक है, इसी तरह 3 बार x लिखा तो 10+10+10 30 हो गया। एक प्रतीक को 3 बार से अधिक नहीं दोहराते। जैसे कुछ बच्चे सोचेंगे हमें 40 लिखना है तो x x x x लिख दें, ये गलत है। इसमें आप 50 में, ये 50 का सिंबल है, इसमें आगे x लिखते हो ये 40 लिखा जाता है। ठीक है, तो ये आपको नियम धराना है कि एक प्रतीक को 3 बार से अधिक नहीं दोहराते, लेकिन वी एल और डी के प्रतीकों को कभी भी दोहराया नहीं जाता। जैसे इनको तो आप 3 बार आप दोहरा रहे हो एक्स को, लेकिन वी को, एल को और डी को कभी नहीं दोहराते। वी हमेशा ऐसे लिखेंगे। आप सोचोगे कि 10 को हम मैडम 2 बार वी लिख दे तो ये 10 बन गया, नहीं, ऐसा नहीं लिखा जाता। वी को नहीं दोहराना। ऐसे ही आप सोचोगे 50-50 दो बार लिख के हमारा एल एल लिख के आपका 100 हो जाएगा, नहीं, 50+50 एल को भी नहीं दोहराया जाता, डी को भी नहीं दोहराया जाता। तो ये आपको नियम ध्यान रखने हैं कि 3 बार से अधिक नहीं दोहराते और वी एल डी को 1 बार से अधिक दोहराते ही नहीं है, 2 बार आता ही नहीं। यदि किसी छोटे मान का प्रतीक मूल्य के अधिक मूल्य के प्रतीक के दाईं ओर लिखा जाता है तो मूल्य अधिक प्रतीक के मूल्य में जुड़ जाता है। जैसे ये वी है, आप इसके दाईं तरफ लिखोगे तो यहाँ जुड़ जाता है 5+1=6, और अगर आप इसको अपने बाईं तरफ लिखते हो तो यहाँ पे घट जाता है। ठीक है, वी के हमने इधर लिखा तो ये बन गया 6, वी के इधर लेफ्ट साइड पे या बाईं तरफ लिखा तो ये हो गया 5+1=4। ठीक है, तो इस तरफ लिखने से जुड़ती है वैल्यू, जैसे यहाँ पे 10+2=12, और आगे की तरफ लिखने से घट जाती है वैल्यू। आगे की तरफ मतलब बाईं तरफ लिखने में, जैसे आपने 4 लिखा, ये सी है सेंचुरी सी, इसमें से एक्स इस तरफ लिखोगे तो ये 100 में से 10 घट के 90 आ जाएगा। तो आ जाओ हम अब कुछ प्रश्न करते हैं। इनको हम एक रोमन अंकों में लिखना है। 5 को हम V से लिखते हैं, 28 लिखना है तो 10+10+8, ये 8 का सिंबल है, ये 10+10 का। C लिखना है तो ये 100 के लिए है, 72 लिखना है तो 72 कैसे लिखोगे? L 50+10+60+10=70 और +2, तो ये हो गया 72। ठीक है बच्चों, अब आपको कोविड उचित व्यवहार का ध्यान रखना है। शारीरिक दूरी अपनी 6 फीट की या 2 गज की रखोगे, क्योंकि कोविड की केसेस हम फिर से देख रहे हैं भारत में, बम्बई शहर में शुरू हो चुकी है नए स्ट्रेन के। हमें ध्यान रखना है ताकि हमारी दिल्ली की स्थिति ठीक प्रकार से रहे, और हम मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलेंगे और शारीरिक दूरी जो है उसका पालन करेंगे। ठीक है बच्चों, ये वीडियो यहीं हम फिनिश करते हैं, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।